तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कैंडिडेट सिलेक्शन है उसके बारे में 1-to-1 हमने चर्चा की है और अब हम प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जल्दी बैठक करेंगे, फिर उनको हम लोग हमारा पैनल सौंपेंगे पीसी का, और फिर प्रोबेबिलिटी 1-2 दिन बाद में जब कभी भी इनको समय मिलेगा ये राजस्थान आकर के स्क्रीनिंग कमेटी की फाइनल बैठक करेंगे, और फिर फाइनल बैठक करने के बाद में वो सीसी में लेकर के आएंगे, और सीसी की बैठक होने के बाद में पार्टी आला कमान कैंडिडेट की घोषणा करेगा। ये एमपी में फेल हो गए, एमएलए में भी फेल होंगे, उनको इसलिए उतारा है कि उनकी बिल्कुल एंटी कम्बेंसी है, वो अब दोबारा कभी एमपी जीत नहीं सकते, तो एमएलए में हार जाएंगे तो उनको उनकी टिकट काटने में आसानी हो जाएगी, ये फार्मूला बीजेपी ने अपनाया है। सर, आज की बैठक में क्या कुछ मुख्य सीटें हैं जिनको लेकर आपको चर्चा? नहीं, ऐसे नहीं, जनरल चर्चा हुई है, क्योंकि जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी तभी प्रमुख बातें होंगी, जनरल फीडबैक जो होता है वो बीजेपी कर चुकी है और आप लोग वो बीजेपी ने भी अपनी सीसी करने के बाद में तकरीबन 14-15 दिन बाद में वो सूची कर पाए थे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हमारी सीसी के तुरंत बाद में। सर, आपके पास सूची प्रचार के लिए भी 45-43 दिन बचे हैं। हाँ, कैसे तो आप कैसे मतलब हम तो 16 को कर रहे हैं ना, खड़गे साहब आ रहे हैं और 16 से हम शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा। फिर जल्दी प्रियंका जी का दौरा बन रहा है, हमने रिक्वेस्ट किया है, फिर राहुल जी का दौरा बन रहा है, हम हमारा 16 से कर रहे हैं, तो वो पूरे हम सब लोग जो लोकल हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे CWC के मेंबर हैं, तमाम लोग हैं, वो साथ मिलकर के कैंपेन करेंगे और हमारे पास में बताने के लिए बहुत कुछ है। कितनी रैलीज होती है जमीनी स्तर पर जो है जी? जमीनी स्तर पर आप कितना मजबूत पाते हैं? बहुत अच्छा, मजबूत नहीं, 101% कांग्रेस जीत रही है, रिपीट कर रही है। कितना अनुमान लगाता है आप, कितनी? अब ऐसे अंदाज को नहीं लगता है, अंदाज यही है कि बीजेपी हार रही है और हम जीत रहे हैं। जो सीटों की टिकटें हुई है तो क्या आपका एस्पेक्ट रहा है क्या? ये तो सारी की सारी सीटें आ रही हैं 41 की 41 में से, मुझे तो लग नहीं रहा है, ये 2-4 मेरे तो सीकर में ही 3 आई हैं, तीनों के तीनों आ रहेंगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। टिकट नहीं मिला वो आपके कोई संपर्क किया? नहीं 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 नहीं, ये तो संपर्क क्या करना, हमारे पास ही खुद के आदमी बहुत है। लक्ष्मणगढ़ में सुभाष मेहरिया सामने आया था 2013 में, इससे भी बड़ा था। जनता छोटा करती है, जनता बड़ा करती है, मेरे कहने से न मैं बड़ा हूँगा न उनके कहने से वो बड़े होंगे। उस टाइम तो गाही गाजती थी उनकी, और केंद्र में 5 साल मंत्री रह करके आए थे। जनता है, जनता फैसला करती है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया जब 2013 में एमएलए में कर दिया, बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, फिर 2014 में जनता ने फिर रिजेक्ट कर दिया, फिर हमने टिकट दी 2019 में, फिर जनता ने नहीं चुना, तो अब बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं थे तो उनको फिर अजमा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। उनको बहुत बड़ा धावक माना जाता है, खिलाड़ी हैं तो दौड़ों ने कौन मना कर रहा है, दौड़ने में धावक हो, चुनाव में धावक तो वही होता है जिसको जनता चाहती है। सर, सीएम फेस के साथ जाएंगे या कलेक्टिवली लड़ेंगे? कब तक लिस्ट जारी कर देंगे? इसके अलावा और है कोई क्वेश्चन कभी? गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे दिल्ली में, और पद्मराज जीआरजी में बैठक और पूरी जो रणनीति है आने वाले दिनों में क्या होगी, लिस्ट कब आएगी, इस तमाम सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए।